काकास कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको आपकी पूरी फैमिली के लिए मिलेगा निमाड़ का अपना स्वाद। अंबाड़ी की भाजी, ज्वार की रोटी, दाल बाफले और तमाम स्नैक्स जैसे सैंडविच, चाइनीज और तंदूरी चाय। तो चले आइए हमारे पते पर, इंदौर रोड, खंडवा। कांग्रेस पार्टी ने अनुशासनहीनता के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पीसीसी द्वारा एक जारी पत्र के माध्यम से इस बात का पता चला है कि शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष इंदल सिंह पवार और पार्षद इकबाल कुरैशी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी द्वारा जारी किए गए लेटर में 12 अन्य नेताओं से भी इस मामले में जवाब मांगा गया है। पार्टी के इस लेटर के माध्यम से अंदरगर बयानबाजी और अनुशासनहीनता को प्रमुख विषय मानते हुए पार्टी ने यह कार्रवाई की है। पिछले दिनों कांग्रेस के जिला कार्यालय गांधी भवन में एक बैठक हुई थी, जिसमें जिला प्रभारी कैलाश कुंडल शामिल थे। उनके सामने कुछ नेताओं द्वारा जमकर नारेबाजी की गई थी और उनके खिलाफ कई बातें कही गई थी। पार्टी ने इसी बात को लेकर के यह कार्रवाई की है। वहीं इस विषय को लेकर कैलाश कुंडल ने भी हाईकमान से इस बारे में शिकायत करने की बात कही थी। मध्य प्रदेश में अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी द्वारा आने वाले समय में इस तरह की अनुशासनहीनता ना हो, इसे ही देखते हुए इस तरह की कठोर कार्रवाई की गई है। पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासन के बारे में कांग्रेस पार्षद इकबाल कुरैशी का कहना है कि अभी इस बारे में उन्हें अधिकृत कोई जानकारी नहीं मिली है। अगर ऐसा होता है तो ऊपर जाकर वे अपनी बात रखेंगे। अनुशासनहीनता को लेकर के कांग्रेस पार्टी द्वारा ये कार्रवाई की गई है, इस पर आपका क्या कहना है? मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे कोई नोटिस भी नहीं मिला है। मुझे मालूम पड़ा है यदि कार्रवाई हुई है तो हम अपने आला अधिकारियों को, हमारे आला कमान जो वरिष्ठ रहता है, हम अपनी बात वहाँ जाकर रखेंगे। और हम लोग कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, हम कांग्रेस के साथ आज भी है, कल भी है, जब तक कांग्रेस में ही रहेंगे। हमारी विचारधारा कांग्रेस रहेगी। हमको कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमने अपने गांधी भवन में बात रखी थी और हमेशा लड़ते रहेंगे। कांग्रेस कहीं कमजोर ना पड़े, इस लड़ाई को हम निरंतर लड़ते रहेंगे। इसके पीछे आपको क्या कारण लग रहा है कि ऐसा आपके साथ ही क्यों किया गया है? मुझे जानकारी नहीं है वो क्यों करा है। बात जाके मैं भोपाल में जाके बात करूँगा। यदि ऐसी बात आई है सामने, यदि डिस्कशन की बात आई है तो कल पेपर के माध्यम से मालूम पड़ जाएगा। जिन लोगों ने करा उनसे बात करेंगे, उनसे जो हमारे अध्यक्ष जी है कमलनाथ जी से बात करेंगे। तो हम लोग को जगह है वो बात करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आज हमको निकाल दिया है या कोई बात ऐसी अफवाह चल रही है कि हकीकत है, ये अभी जानकारी में नहीं है।